हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे बेटा, और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी, और साथ ही अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे क्या होता है बेटा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है हमें, और बाकी हमने क्या पढ़ा था, जो रोग फैलते हैं, पौधों में फैलने वाले रोग, मनुष्य में फैलने वाले रोग। और बेटा, एक ने मेरे से पूछा था कि मवेशी का मीनिंग क्या होता है बेटा। तो मवेशियों का मीनिंग होता है जो जंतु होते हैं, कैटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर और मानव के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। तो बेटा, हम अपना टॉपिक पे आते हैं वापस, जो क्या है, खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या है बेटा? खाद्य परिरक्षण का मतलब है कि भोजन को हम काफ़ी समय के लिए सुरक्षित करके रख सके, ताकि हमें वो आगे काम आ सके। जैसे क्या होता है बेटा, एक सीजन में एक तरह की फल फ्रूट सब्जियां उगती हैं और दूसरे सीजन में वो नहीं होती। अगर हमें उस टाइम पे वो चीज़ चाहिए तो हम क्या करते हैं, उनको संरक्षित करके रख लेते हैं, ठीक है, सुरक्षित करके रख लेते हैं। और उनको सुरक्षित करके रखने के लिए हमें कुछ करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो हम वही पढ़ेंगे हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाती हैं। अध्याय एक में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देती है, फंगस जो लग जाती है बेटा, ग्रीन ग्रीन कलर की। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, संदूषित भोजन में दुर्गंध आने लगती है, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ बेटा पहले ही। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है, रंग भी बदल जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाती है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया? हाँ बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्यों, क्या होता है इसमें बेटा, जो भोजन होता है वो क्या होता है, दूसरे पदार्थों में टूट जाता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो वो टूटता कैसे बेटा, क्या करता है, वायुमंडल से अभिक्रिया करके, जो उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीवों से, तो इन सब से क्या होता है, वो अभिक्रिया करने के बाद खराब हो जाता है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उसे खा नहीं पाई, तो बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता, वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं और हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। सबसे पहला बेटा क्या है, रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। देखो बेटा, जो रक्षा करेगा उसको क्या बोलेंगे, परिरक्षक बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस से हमारी कौन रक्षा कर रहा है बेटा, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं बेटा, जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं बेटा, जो घर घर पर सामान दे रहे हैं, जो हमें मंडियों से सामान ला के उपलब्ध करा पाते हैं, तो बेटा वो सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारे लिए भी क्या कर रहे हैं, रक्षा का कार्य कर रहे हैं, हमें हर चीज़ें टाइम पे उपलब्ध कराते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे ही बेटा, जो भोजन की सुरक्षा करते हैं किससे, सूक्ष्म जीवों से, वो क्या है, नमक और खाद्य तेल, तो इनको भी क्या बोलेंगे, परिरक्षक। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सामान्य परिरक्षक है। जैव एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो बेटा क्या है, नमक और खाद्य तेल का प्रयोग हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए करते हैं और इनको क्या बोलेंगे, परिरक्षक बोलेंगे। ये क्या करते हैं, नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में भी किया जाता है, जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि नहीं होने देते। और इसके अलावा अगर बेटा हम इनको प्रयोग नहीं करते, तो इनके अलावा हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, जो पहले से ही बनी हुई हैं, ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। मैंने तुम्हें दो तरीके की चीज़ें बताई हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो बेटा जो कृत्रिम एक ये सोच सकते हो कि कृत्रिम तरीके से बनाए हुए, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम नमक और खाद्य तेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नमक और खाद्य तेल के स्थान पर हम और कौन से परिरक्षकों का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। और ज़्यादातर बेटा ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट किसके लिए प्रयोग होता है, जैम के लिए, स्क्वैश के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा, नमक द्वारा परिरक्षण कैसे होता है, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि ये परिरक्षण में काम आता है और परिरक्षक कहलाता है, तो लेकिन ये बेटा करता कैसे है,
सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो बेटा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मांस एवं मछली के परिरक्षण में किया जाता है, जो क्या करती है उसको काफ़ी, और ये काफ़ी लंबे अरसे से प्रयोग किया जा रहा है, जो क्या करती है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है और उसको, और बेटा मांस और मछली को हम क्या करते हैं, सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है उस तक सूक्ष्म जीव पहुंच नहीं पाते और उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? चीनी। चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे होता है खाद्य पदार्थों का? जैम हो गए, जेली हो गए एवं स्क्वैश हो गए, इनका परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि चीनी कैसे परिरक्षण करती है, कैसे सुरक्षित रखती है उसको काफ़ी समय तक, मतलब कि खराब नहीं होने देती। तो क्या करती है बेटा, वो पदार्थ में कि नमी में कमी लाती है। जो चीनी होती है वो क्या करती है, खाने में नमी ना आ सके उस चीज़ में कमी लाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे कि क्या होता है नमी में, कौन क्या नाम है सूक्ष्म जीव बेटा वृद्धि करता है, कवक हो गई, ठीक है, तो नमी को ख़त्म करती है वो, जिससे क्या होता है बेटा सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। अब तीसरा क्या है बेटा, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं, इसको तो बेटा सभी जानते होंगे, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तेल में और नमक में बेटा जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम बेटा अचार बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, समय समय पर तेल डालते रहते हैं, जिससे क्या हो उसमें नमी भी ना आए और क्या क्या ना हो, सूक्ष्म जीव की वृद्धि ना हो, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट बेटा क्या है, गरम एवं ठंडा करना। खाने को बेटा गरम और ठंडा करने से भी हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमने खाना बनाया है लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते, तो वहाँ पर हम क्या उपयोग कर रहे हैं, ठंड का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, हम वस्तुओं को गर्म करते हैं, कई बार हमें किसी चीज़ को सही रखना है तो हम उसको गर्म कर लेते हैं। जैसे कि आपने दूध हो गया बेटा, दूध खराब ना हो तो हम उसको क्या करते हैं, उबाल देते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, गर्म का प्रयोग किया, उसमें ठंड का प्रयोग किया था। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। कम ताप भी और बेटा अधिक ताप भी, ठीक है। तो इनके अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है, अब ये बताओ। अब ये बेटा पाश्चरीकृत क्या है, जो दूध आता है थैलियों में वो क्या हो रहा रहता है पहले से ही पाश्चरीकृत। तो पाश्चरीकृत का मतलब क्या होता है बेटा, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले, याद रखना बेटा, बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बेटा कितना होता है, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री होता है, ठीक है। और वैसे भी हमारा जो क्या नाम है, एरिया वाइज तो बेटा टेम्परेचर खैर चेंज होता रहता है सर्दी और गर्मी में, तो एक रूम का टेम्परेचर 25-23 इस तरीके का होता है। तो बेटा दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर, जैसे ही गर्म किया उसको एकदम से ठंडा करते हैं, और फिर उसको क्या कर देते हैं, थैलियों में स्टोर कर देते हैं, उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी बेटा, लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। उसका नाम क्या था, उसका सरनेम क्या था, पाश्चर। तो इसी उसके सरनेम को या उसको आदर देने के लिए उसके सरनेम पर इस प्रक्रिया का नाम रख दिया गया, जिसका नाम क्या है, पाश्चरीकरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पाश्चरीकरण क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे सर कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करो और फिर उसको एकदम से ठंडा कर देना और भंडारण कर लेना, पाश्चरीकरण कहलाता है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की। बेटा नेक्स्ट तरीका क्या है, भंडारण एवं पैकिंग। तो आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो बेटा तुमने देखा होगा बेबी कॉर्न होती हैं, या मटर हो गई, सफल मटर वगैरह, ये सब क्या पैकेटों में आती हैं, ठीक है। तो ये, और तुम दालें वगैरह देखते होंगे, ये सब भी क्या होते हैं, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, सब पैकेटों में बंद होके आते हैं ना बेटा। तो इनको भी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा की जाती है, कैसे, सील करके, ताकि इनमें वायु ना जा सके। वायु के कारण इनमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। जैसे भी तुम अगर कोई पैकेट लाते हो घर पर कुछ भी खाने का,
चिप्स वगैरह ही हो गए, अगर तुम उनको कुछ खा के और आधे अधूरे छोड़ देते तो तुम देखोगे कुछ देर बाद उनमें नमी आ जाती है और वो खाए नहीं जाते, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अब तुम समझ गए होंगे खाद्य परिरक्षण है क्या और हम इसको कैसे कर सकते हैं और हर खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आशा करती हूँ कि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और बेटा अगर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।